हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 यूपी बोर्ड के अध्याय 4 यानी गतिबाध आवेश और चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ने चल रहे हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा आर्स्टेड का प्रयोग। डच फिजिसिस्ट एच सी आर्स्टेड हेनरी क्रिश्चियन आर्स्टेड ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में क्या पाया वो आज हम लोग देखने चल रहे हैं। उन्होंने देखा कि जब किसी तार में किसी धारा को प्रवाहित किया जाता है, यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जान लेना है कि यह धारा जो होनी चाहिए वह पर्याप्त होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सफिशियंट अमाउंट ऑफ करंट इन अ वायर। तो जब एक पर्याप्त धारा को प्रवाहित किया जाता था तब इसके निकट, दूर नहीं निकट, जब कोई चुंबकीय सुई को रखा जाता था तो वह चुंबकीय सुई अपने वास्तविक स्थिति यानी कि नॉर्थ साउथ की स्थिति से अलग कुछ विक्षेपित हो जा रही थी। तुम जानते हो कि चुंबकीय सुई एक मैग्नेट होती है जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्तर दक्षिण में ठहरती है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा उत्तर था, ये दक्षिण था, उत्तर दक्षिण में ये हमारी सुई ठहर रही थी। लेकिन जैसे ही हम इसी सुई को बगल रखते हैं धारावाही चालक के, जब इसमें धारा नहीं थी तब तो ये ठीक उत्तर दक्षिण थी, लेकिन जब ये धारा प्रवाहित की जाने लगी तो यह उत्तर दक्षिण से कुछ विक्षेपित हो गई। यही कारण है कि हम कह रहे हैं पर्याप्त धारा का प्रवाह होना आवश्यक है, क्योंकि अगर पर्याप्त धारा नहीं होगी तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को निष्प्रभावी नहीं कर पाएगी और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हावी रहेगा। तो जब किसी तार में पर्याप्त धारा को प्रवाहित किया एच सी आर्स्टेड ने 1820 में, तब उन्होंने देखा कि उसके निकट रखी चुंबकीय सुई अपने वास्तविक ठहराव यानी उत्तर दक्षिण की दिशा से कुछ विक्षेपित हो जाती है। अब इस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट निकला कि चुंबक पर कोई बल अगर लगा सकता है तो वह चुंबक लगा सकता है। इसका अर्थ ये है कि इस धारावाही तार ने, क्योंकि ये लोहा नहीं है, निकिल कोबाल्ट नहीं है कि जो चुंबक को प्रभावित कर दे, नहीं, तो ये एक तार था, तांबे का तार था। जब इसमें धारा नहीं थी तो ये उत्तर दक्षिण में इस तरह से थी और जब धारा प्रवाहित कर दी गई तो अपने उत्तर दक्षिण वाले विक्षेप से कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, विक्षेपित हो गई। तो पहला निष्कर्ष इससे यह निकला कि जब किसी तार में धारा को प्रवाह किया जाता है तब उसके निकट एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है, ठीक। और जब इसकी दिशा उन्होंने निकाली तो उन्होंने देखा कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी भी बिंदु पर इस तार के लंबवत थी और इसके चारों तरफ अगर कोई वृत्त खींच दें तो वह उस वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में आ रहा था। तो पहला तो ये निकला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला, जब इसी तार में जो धारा की मात्रा है अगर ये आई थी, यहाँ 2i कर दिया, तब उन्होंने पाया कि उतनी ही दूर रखी जो ये चुंबकीय सुई है इसका विक्षेप भी डबल हो जा रहा था। यहाँ जो भी विक्षेप था, यहाँ मान लेते हैं 20 डिग्री था तो यहाँ 40 डिग्री हो गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब धारा के मान को बढ़ाया जा रहा था तो विक्षेप भी बढ़ जा रहा था। कहने का मतलब है कि अब जो चुंबकीय क्षेत्र धारा को डबल करने पर आया है वह निश्चित रूप से डबल हो गया होगा, यानी कि जब धारा का मान बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन और सेकंड ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह रिजल्ट था। तीसरा उन्होंने कुछ और चीज़ों को देखने का प्रयास किया कि अब उन्होंने देखा कि धारा को उतना ही रखा, धारा को कांस्टेंट रखा और दूरी को बढ़ा दिया। जब दूरी को कुछ बढ़ा दिया तो उन्होंने देखा कि यह विक्षेप देखो कम हो गया। देखो यहाँ विक्षेप ज़्यादा है, यहाँ धारा बढ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन अब धारा देखो उतनी ही रखी गई लेकिन यह दूरी, यहाँ दूरी देखो कम है, यहाँ दूरी ज़्यादा है। जब दूरी को बढ़ा दिया गया तो यह विक्षेप कम होने लगा। तो इसका मतलब है कि दूरी बढ़ाने पर विक्षेप कम हो रहा है। विक्षेप क्यों हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो विक्षेप अगर यह कम होने लगा तो इसका अर्थ यह है कि चुंबकीय क्षेत्र अब घट रहा है।
तो इस तरह से जब धारा का मान नियत रखते हुए दूरी को बढ़ाया जाता था तो उन्होंने देखा विक्षेप कम हो रहा है। तो आर्स्टेड ने एक और निष्कर्ष निकाल लिया, क्या कि जब धारावाही चालक से ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी कि प्रेक्षण बिंदु की दूरी जब बढ़ाई जाती है तब चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, ठीक है ना। और चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फिर आया, अब उन्होंने क्या किया कि धारा को उल्टा कर दिया, धारा का मान नहीं बदला, धारा का मान उल्टा कर दिया और दूरी वही रखी जो शुरुआत में थी। तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो धारा का मान जब उल्टा किया तो उतना ही विक्षेप दूसरी दिशा में हो गया। जैसे यहाँ पर वर्टिकल से अगर यहाँ 20 डिग्री घूमा था तो यहाँ पर धारा वही है लेकिन दिशा उलट दी गई, तो ये वर्टिकल से नॉर्थ साउथ से इधर 20 डिग्री उल्टी दिशा में 20 डिग्री पर वो घूम जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि जब हमने धारा का मान उल्टा किया, धारा का मान विपरीत किया, धारा का मान रिवर्स किया, तब जो विक्षेप था चुंबकीय सुई में वो भी रिवर्स हो जा रहा था। इसका तात्पर्य ये है कि जब हमने तार में धारा की दिशा को बदला, धारा की दिशा को व्युत्क्रम किया तो चुंबकीय दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी व्युत्क्रम हो गई। इसका अर्थ ये है कि धारा का मान व्युत्क्रम करने पर, धारा का मान विपरीत करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत हो जाती है। तो इस तरह से एचएससी आर्स्टेड के बड़े फेमस प्रयोग का निष्कर्ष हमने आपको बता दिया। चारों निष्कर्ष, पहला क्या है आर्स्टेड के जो प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकला, पहला कि जब किसी तार में धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके निकट एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है यदि तार में धारा का मान बढ़ाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, लिख लेना, यदि तार में धारा का मान बढ़ाया जाता है तब चुंबकीय सुई में विक्षेप भी बढ़ जाता है, अर्थात धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। तार में तार से प्रेक्षण बिंदु की दूरी को बढ़ाने पर विक्षेप कम होता है, अर्थात दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है धारावाही तार के कारण। और चौथा क्या है, तार में धारा की दिशा विपरीत करने पर चुंबकीय विक्षेप चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान भी विपरीत हो जाता है, अर्थात तार में धारा का मान विपरीत करने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी विपरीत हो जाता है। तो इस तरह से ये निष्कर्ष आप लोग लिखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं किसी भी तार पर, यहाँ पर एक और चीज तुम लोग ध्यान देना कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं। जैसे कि अगर ये तार में धारा का प्रवाह हो रहा है तो आर्स्टेड ने बताया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं इसके चारों ओर होती हैं वो क्या होती हैं, वृत्ताकार लूप के रूप में होती हैं जिनका सेंटर यह तार होता है। इस तरह से ये वृत्ताकार लूप के रूप में ये क्या होगा, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से चल रही हैं। और किसी भी बिंदु पर अगर तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा कर लेंगे। किसी भी बिंदु पर निकालनी हो, यहाँ निकालनी हो, यहाँ स्पर्श रेखा, यहाँ निकालनी हो, ठीक। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रदर्शन होता है वह बल रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ पर एक और चीज़ देखना, किसी भी तल में चुंबकीय क्षेत्र को दो तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। वह दो तरीके को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। वह दो तरीके क्या हैं इनको हम बताने चल रहे हैं, ठीक। तो वह दो तरीके हैं, एक होता है डार्ट, एक होता है क्रॉस। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर किसी तल में हमको दिखाना है तो एक होता है डार्ट, एक होता है क्रॉस। तो क्रॉस क्या होता है और डार्ट क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने का एक नियम है, वो नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम एक ऐसा नियम है जो किसी तार में बहने वाली धारा के कारण उसके तल में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता है।
अब पूछोगे यह क्या है, तो दाएं हाथ की हथेली, दिस इज आवर राइट हैंड, दिस इज आवर राइट हैंड, दिस इज आवर राइट हैंड, यानी कि दाएं हाथ को हम इस तरह से फैला लेंगे, ये आपकी हथेली है, इस तरह से चारों उंगलियां सटी हुई, ये थंब जो है इसके लंबवत, ठीक है ना। तो हमको करना क्या है, करना है कि तार में जो धारा दिख रही है, धारा की दिशा में इस अंगूठे को रखना है। अब बताओ धारा किधर जा रही, ऊपर, तो ऊपर है तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी ऐसे। और क्या करना है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है, उस बिंदु पर, मान लेते हैं यह बिंदु हमारा यहां पर P है, इस P पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है, तो ये बाकी उंगलियां, बाकी जो चारों सटी हुई उंगलियां हैं, ये उस बिंदु P की ओर हूं, लाइक दिस। थंब क्या है, करंट की दिशा को, और यह बिंदु P की तरफ ये उंगलियां हैं। अब ऐसे हमने रख लिया, अब हथेली को धक्का दो, अगर हथेली को पुश कर रहे हैं, पुशिंग, हथेली को धक्का देने का मतलब ये वाला पोर्शन पे धक्का देना है, ठीक, ये वाले फिर ऐसे नहीं करना, ऐसे करेंगे तो बाहर आ, हथेली ये है हमारी, ये हथेली को धक्का दो, करंट ये, पॉइंट ये, रख दिया, धक्का दो, जब धक्का दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, यह जो दिशा आ रही है वो लंबवत भीतर की ओर आ रही है, इस तरह से कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, ये कागज का तल है, अगर हमारा ये बोर्ड है तो इसको कागज का तल हम बोलेंगे, तुम्हारी कॉपी है तो कागज के तल के लंबवत ऐसे आएगा, मतलब दिशा वही रहेगी, लंबवत भीतर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। सेम थिंग इज फॉर पॉइंट क्यू, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट क्यू है एक, और इस पर देखना है, तो फिर से राइट हैंड को फैलाओ, अंगूठे को रखो धारा की दिशा में, ऐसे रखा हमने, और ये चारों उंगलियां किधर हैं, बिंदु क्यू की ओर, चलो ठीक है। अब हथेली को धक्का देना है, हथेली को धक्का देना, ये दिस इज आवर पाम, अब हथेली को धक्का दो, अब हमारा जो हाथ है वो क्या आ रहा है, इस तल के लंबवत आ रहा है और बाहर की ओर, इस तरह से, लाइक दिस, ऐसे। तो जब ऐसे आ रहा है तो ये क्या है, लंबवत बाहर की ओर है, और जब लंबवत बाहर की ओर है तो यह दिशा इस पॉइंट पी पर लंबवत बाहर की ओर है। लंबवत बाहर की ओर के लिए यहां पर हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो है डॉट, और लंबवत भीतर की ओर जो हम चिन्ह का यूज करते हैं वो है क्रॉस। तो कोई भी कागज के तल में अगर कभी भी धारा का प्रवाह हो रहा है किसी तार में, तो एक ओर तार के एक ओर डॉट दिशा में, यानी कि लंबवत बाहर की ओर होगा, और एक तरफ लंबवत भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे इधर देखो, अगर यही करंट इधर होती, और ये यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट Q है, तो इस पॉइंट पर क्या होता, ऐसे हाथ को रखते, ये धारा की दिशा, और बाकी उंगलियाँ बिंदु की ओर, तो बाहर की ओर, ये हो जाता हमारा डॉट, और यहाँ पर क्या होता, इस तरह से रखते, और जब इस तरह से रखोगे तो ये हमारा है धारा की दिशा, ये पॉइंट क्यू, अब यहाँ पर अंदर की ओर, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि ये धारा की दिशा के कारण किसी बिंदु पर, किसी तल में, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये आज हम लोगों ने जाना। अगले लेक्चर में हम चुंबकीय बल के बारे में पढ़ना चल रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर, अगला लेक्चर देखना मत भूलिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद, गुड बाय।